अस्सलाम वालेकुम, मैंने मनमोहन, आप देख रहे हैं टेकोसेयर। अभी तक आप लोगों को इस चीज़ का तो आइडिया हो चुका होगा कि स्टारलिंक इंटरनेट की टीम पाकिस्तान के अंदर आई है। उन्होंने पीटीए के साथ मीटिंग की है कि वो पाकिस्तान के अंदर आना चाह रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह को डिस्कस करने के लिए। इसके ऊपर मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि बेसिकली स्टारलिंक इंटरनेट क्या है, ये किस तरह काम करेगा, हमें कितनी स्पीड वगैरह मिलेगी। उस वीडियो के बाद आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, स्पेशली तौर पर प्राइस को लेकर और भी कुछ चीज़ें थी जिनको मैं पर्सनली तौर पर भी डिस्कस करना चाह रहा था। लाइक अगर हम लोग इस वक्त देखते हैं ना, तो जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर देखते हैं तो जो फ्यूचर होने वाला स्टारलिंक इंटरनेट का वो क्या होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रेजी टाइप की वीडियो है। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। लेकिन अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सबसे पहले चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। अब इसी को अगर हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं ना, तो एक अपडेट ये चीज़ की जा रही है कि स्टारलिंक पाकिस्तान के अंदर पहला ऑफिस खोलने वाला है, और पाकिस्तान वो पहला कंट्री होगा साउथ एशिया के अंदर जिसके अंदर हमें स्टारलिंक का ऑफिस देखने को मिलेगा। जिसको सुनकर मुझे पर्सनली तौर पर काफी ज्यादा खुशी हो रही है, इसलिए आपके भाई ने टेस्ला की शर्ट भी पहन ली हुई है। इस वक्त काफी सर्दी है, लेकिन जब मैं जैकेट पहन रहा था तो भाई इसका जो लोगो था वो शो नहीं हो रहा था, तो आपके भाई ने जैकेट शैकेट सब कुछ उतार दी हुई है। तो काफी एक अच्छी अपडेट है अगर साउथ एशिया के अंदर सबसे पहला ऑफिस स्टारलिंक का पाकिस्तान के अंदर ओपन होता है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं ना प्राइस की, तो पाकिस्तान के अंदर भी सेम वही प्राइस चल रही है जो कि ग्लोबली चल रही है। आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल $99 पे करने, अगर आप पाकिस्तान की बात करते हो तो अभी तक क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आया नहीं है, तो आप लोग उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर $99 को पे करके अपना जो ऑर्डर है उसको बुक करवा सकते हो। जैसे ही पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज आएंगी, सबसे पहले उन लोगों को मिलेंगी जिन्होंने पहले से प्री बुकिंग करवाई होगी। और ये जो $99 है, ये तकरीबन 17 से 18 हज़ार बन रहे हैं आज के डॉलर के रेट के अकॉर्डिंगली, जो कि आपको पर मंथ पे करना पड़ेंगे। अब इसके बाद आपको जो इंटरनेट की स्पीड मिलेगी वो डिपेंड करेगा कि आपके एरिया के अंदर कितनी ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। मैंने 300 MB की स्पीड भी देखी है अमेरिका वगैरह के अंदर जो लोग यूज़ करें, कुछ लोगों के पास 400 MB की भी आ रही है, तो ये चीज़ अभी हम लोग कन्फर्म नहीं कर सकते। प्लस आप लोगों को पूरा एक वो सेटअप भी बाय करना पड़ेगा जिसके अंदर डिश वगैरह एंटीना और केबल शामिल है, जिसकी प्राइस $500 है, जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 88,000-89,000 बन रहे हैं। एक दफा बाय करना है, जो कि स्टारलिंक अमेरिका से डायरेक्टली तौर पर आपको पाकिस्तान के अंदर शिप करेगा। अब अगर आप लोग इस प्राइस के ऊपर देखते हो ना, तो पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि 95% लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग ग्लोबली भी देख लेते हैं, तो तकरीबन 95% लोग ग्लोबली भी इतने महंगे इंटरनेट को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर इलोन मस्क को मासिस तक पहुंचना है, तो जो स्ट्रेटजी है थोड़ी सी डिफरेंट वो करनी पड़ेगी। यहां पर आती है हमारी आईफोन की गेम सबसे पहले, उसके बाद नॉर्मल फोन्स की गेम। अब जब आईफोन 13 सीरीज नहीं आई थी ना, उसके बारे में ये चीज रिपोर्ट की जा रही थी कि आईफोन 13 सीरीज के अंदर हमें सपोर्ट मिलेगी सैटेलाइट के साथ कनेक्शन की। लाइक अगर आप लोग किसी ऐसी जगह के ऊपर हो जहां पर किसी किस्म के कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे, आप लोग के पास किसी किस्म का कोई भी मोबाइल डाटा इंटरनेट मौजूद नहीं है, तो आपको जो आईफोन 13 होगा वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करके किसी को कोई भी मैसेज सेंड कर पाएगा, या फिर किसी को छोटी मोटी कॉल कर पाएगा अगर आप लोग एमरजेंसी वगैरह के अंदर हैं। अब ये वाला काम तो हो नहीं सका क्योंकि आईफोन 13 सीरीज के अंदर में किसी किस्म का कोई भी सैटेलाइट कनेक्शन नहीं मिलता, लेकिन आईफोन 14 सीरीज के अंदर ये वाला काम हो सकता है। उसकी रीजन ये है कि एप्पल ने जो आईफोन 14 सीरीज के अंदर 5G की मॉडेम यूज करनी है, क्वालकॉम की X65, उसके अंदर क्वालकॉम ने जो ग्लोबल स्टार एक कंपनी है जिसके पास N53 बैंड है, जो कि सैटेलाइट के पूरे कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी सपोर्ट दे दिया। तो अगर एप्पल X65 मॉडेम को यूज करता है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ हद तक जो कनेक्टिविटी है सैटेलाइट के साथ, लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स के साथ, वो आईफोन के अंदर डेफिनेटली आ जाएगी। लेकिन जो गेम है ना, वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल काफ़ी ज़्यादा रूमर्स चल रहे हैं कि भाई जो इलोन मस्क है ना, जो स्टारलिंक है, ये लोग अपने फ़ोन के ऊपर काम करें, लाइक ये लोग अपना फ़ोन लॉन्च करेंगे। तो अगर ये लोग अपना फ़ोन लॉन्च करते हैं ना, तो फिर तो ये बात डेफिनेटली कन्फर्म है कि उस फ़ोन के अंदर आप लोगों को स्टारलिंक के इंटरनेट की जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली मिलेगी, उसके अंदर इंटरनेट चलेगा, या फिर आप लोगों को कोई नॉर्मल इंटरनेट चलाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप लोग दुनिया के किसी भी कोने के अंदर होंगे, स्टारलिंक का फ़ोन अगर आपके पास मौजूद है, तो आप लोग डायरेक्टली तौर पर स्टारलिंक के सैटेलाइट से कनेक्ट करके हर जगह के ऊपर दुनिया में स्टारलिंक जहां पर भी है, लाइक ग्लोबल है ना, तो आप दुनिया के अर्थ के ऑर्बिट के अंदर जहां पर भी आना, चाहे वो किसी जंगल के अंदर है, चाहे वो आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर, आप लोगों को हर जगह के ऊपर जो फास्ट इंटरनेट उसकी सपोर्ट मिलेगी। तो एट द एंड जो फ्यूचर होने वाला ना 5G का, या फिर इंटरनेट का, स्टारलिंक का, वो यही होने वाला है। बीच में ये जो डिश वगैरह है, मुझे लगता है कि निकल जाएगी। अगर हम लोग फोन्स की बात करते हैं, तो जो फोन्स हैं वो डायरेक्टली तौर पर सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसके बाद जो प्राइसेस होंगी वो डेफिनेटली ड्रॉप होंगी, क्योंकि तब आप लोगों को ये भी ऑप्शन मिलेगा कि भाई आपको जितना डाटा चाहिए, आपने एक मोबाइल के अंदर जितना डाटा यूज़ करना है, आप लोग उसके अकॉर्डिंगली पे करके स्टारलिंक के इंटरनेट को यूज़ कर पाओ। क्योंकि अभी तक के लिए ये एक इनिशियल स्टेज के ऊपर है, आपको बड़ी डिश भी लगानी पड़ेगी, लेकिन जब स्मार्टफोन के अंदर ये चिप्स आ गई, तो भाई सारी जो टेंशन है वो खत्म होने वाली है। और इसके अलावा आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि भाई जो चाइना वाले हैं ना, वो भी कोई पीछे नहीं है,
वो भी अपनी जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स है ना उनको भेजने के ऊपर काफी काम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो फ्यूचर है इंटरनेट को लेके वो काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी हद तक तब्दील होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली वीडियो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि भाई फ्यूचर किस साइड के ऊपर जाने वाला है। इस वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स करना लाजमी तौर पर बताइएगा कि भाई आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है स्टार्टिंग के रिलेटेड, और अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।